हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल टाटा ऑटो टेक में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा टाटा BS4 अजिंक्य सॉरी अम्ब्रेला इंजन के स्पेयर पार्ट्स की कुछ जानकारियां मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये इंजन मैंने डिसमेंटल किया है और इसके कुछ स्पेयर पार्ट्स है जो शायद नए लोगों के लिए हो सके ये जानकारी फ़ायदेमंद हो। दोस्तों मैंने कुछ सामान धो के यहाँ पे रखे हुए हैं, आपको बता दूँ। ये इसकी क्रैंक है दोस्तों। ये क्रैंक BS4 अजिंक्य अम्ब्रेला और BS3 में सेम होती है। इसमें फ़र्क क्या होता है कि इस क्रैंक में जो है 5 होल है। ये 5 होल वाली क्रैंक सिर्फ आपको अम्ब्रेला इंजन में ही देखने को मिलेगी और BS4 अजिंक्य इंजन में इस क्रैंक में 4 होल ही होते हैं और ये मक्खी होती है क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वो डंपर पुली पे होता है। इसके बाद में दोस्तों ये इसका एयर कंप्रेसर है और ये कनेक्टिंग रोड है, 6 कनेक्टिंग रोड होती है। और एक चेंजिंग इसमें एक और है जो वो है कैम छापड़ में। दोस्तों इसमें ना इंजन ब्रेक होते हैं इसलिए इसकी कैम छापट भी थोड़ी अलग है। यानी बाकी तो BS3 और 4 की कैम छापट सेम ही होती है लेकिन इसमें थोड़ा ये चेंजिंग दी गई है। ये गाइड जो है दोस्तों ये इस तरीके से कैम पे टिकती है और यहाँ पे ये कैम जो है हल्की सी उठी हुई होती है इंजन ब्रेकों के लिए। आपको जूम करके दिखाता हूँ और ये एग्जॉस्ट वाले वाल की कैम ये हल्की उठी हुई होगी और इनलेट वाले की पूरी प्लेन है। ये आप देख सकते हैं हल्की सी ये चेंजिंग है, बाकी सारा मामला सेम। और ये इनकी गाइडें हैं, ये कैम का लॉक है दोस्तों। टेपिड कवर में आप इसके सामान देख सकते हैं। ये पुश रोड है, पुश रोड बाकी सेम ही होती है BS3, 4 और अजिंक्य अम्ब्रेला की सबकी। और एक और चेंजिंग है वो है ये रोकर में इंजन ब्रेक पे। ये इस तरीके से इसके इंजन ब्रेक जो है यहाँ से काम करते हैं। और जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने इंजन ब्रेक की अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इंजन ब्रेक की वीडियो इसमें डाल रखी है। ये किस तरीके से काम करती है ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ये आइडलर गियर है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती है। इस गियर को आप कहीं भी लगा सकते हैं यानी इधर उधर घुमा के भी, FIP की तरह ये नहीं है। ये इसका ऑयल पम्प है और ये डम्पर पुली है और ये वाटर बॉडी है। ये टाइमिंग प्लेट, ये टाइमिंग हाउसिंग, ये इसके बोल्ट और ये ऑयल कूलर प्लेट है ये। इसके बाद में ये गाइड प्लेट है जो ज़्यादा मैकेनिकों को तंग करती है, ये बहुत ज़्यादा ही लीकेज होती है। और ये इसके मेन है और वो बैक कमर। और ये इसका हेड है दोस्तों। हेड में दोस्तों BS3 और 4 में एक चेंजिंग है और वो चेंजिंग है इंजेक्टर की, इंजेक्टर वाले होल्स की। ये होल सेम होते हैं लेकिन ये जहाँ पे कनेक्टर लगते हैं पेंसिल है इन होल में फ़र्क है क्योंकि इसमें कट आता है मक्खी का और BS3 में नहीं आता, इसलिए ये हेड BS3 में नहीं लग सकता। बाकी BS4 अम्ब्रेला अजिंक्य दोनों में ये काम करेगा। और ये इसकी कॉमन रेल है जो अजिंक्य में अलग होती है और अम्ब्रेला में अलग होती है, ये इसकी कॉमन रेल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।